उत्तर प्रदेश सरकार ने बांदा एआरटीओ के खिलाफ जांच का ऐलान करते हुए कमेटी का गठन किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों बीजेपी विधायक और बुंदेलखंड विकास बोर्ड के सदस्य जगराम सिंह ने आरटीओ के खिलाफ मुख्यमंत्री सहित तमाम बड़े नेताओं और अधिकारियों को एक शिकायती पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने बांदा एआरटीओ प्रशासन शंकर सिंह के भ्रष्टाचार की शिकायतों का पुलिंदा पहुंचा। शिकायतों के आधार पर मुख्यमंत्री ने तत्काल जांच के आदेश दिए। जगराम सिंह ने बताया कि आरटीओ के द्वारा की गई अनियमितताओं का शीघ्र ही पर्दाफाश होगा। पीड़ित उदयवीर सिंह ने बताया कि वो जब गाड़ी का फिटनेस करने गए तो आरटीओ ने अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। फाइन एंड ट्रबल से हूँ। मेरी गाड़ी जयपुर जाती है, शक्ति ट्रबल की। श्री सुमेर जी पीटीओ साहब ने गाड़ी रुकवाई, सिपाही रहते हैं उनको गाड़ी के अंदर भेजा और पूरी सवारियां गिनवाई, जिसमें उन्होंने कंडक्टर ड्राइवर को भी गिनके 37 सवारी बताई। कहा मौत नहीं तो क्या बात है। मेरे साथ 46 सवारी का परमिट है, आपने परमिट दे रखा है 46 सवारी का, मैं 35 सवारी ली हूँ, कौन सी मौत बांट रहा हूँ। इसके बाद इन्होंने अबाध्यता एवं गाली से बात किया, मेरा मोबाइल छीन लिया। ज्यादा बहस करोगे तो अभी इतनी धाराएं लगवाऊंगा कि मुकदमा झेलते झेलते मर जाओगे। डालो इसको गाड़ी में, और कहा ज्यादा बहस किया तेरा चश्मा तेरी डाल दूंगा। इस तरह से साहब उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की। ये फिटनेस कराने का हम जब ऊपर गए थे तो कोई काम करे तो कहते हम मुकदमा कायम कर देंगे। कौन कह रहा था ये बात? शंकर जी आए हैं कोसाम्बी से। क्या कह रहे थे? कर रहे थे हम मुकदमा कायम कर, कोनो काम कराऊं जाए तो कहीं मुकदमा कायम कर देंगे। फर्जी मोटरसाइकिलों का चालान करवाते हैं जो है। जो आरटीओ शंकर सिंह जी हैं, इनकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री जी से और भी ऊपर के सभी अधिकारियों से की है। उसमें जांच गठित हो गई है और उसमें कार्रवाई होगी। वो उनकी सभी अनियमितताओं का पर्दाफाश होगा।